भारत का जो कृषि एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, उसमें और अच्छा स्टैंडर्ड आना चाहिए, उसके बारे में एफर्ट होनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा के जो अलग अलग कोर्सेस है हमारे लेवल पे आनी चाहिए, तो ही हमारे एग्रीकल्चर का आज कुछ और भला हो सकता है। अभी जो नए तंत्रज्ञान एग्रीकल्चर कृषि में आ रहे हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग आ रहे हैं, और उसमें अलग अलग जो सॉइल हेल्थ कार्ड की जो चीज़ें आ रही है, और जो चीज़ें डिजिटाइजेशन में जैसे ब्लॉकचेन है या फिर और चीज़ें आ रही, तो उसका भी जिक्र इसमें होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमद बिरादर, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक विषय और अलग विषय हम पर चर्चा करने जा रहे हैं, और वो अलग विषय है कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है भारत देश में, इंडिया में, वो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट सेशन में, लास्ट एक पाँच छः महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि 2019 में जो अभी नया रैंकिंग आया है, ICAR ने जो नया रैंकिंग दिया है जो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का भारत देश के लिए, तो वो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ 2019 में कौन सी है, उसके बारे में चर्चा करना है। क्योंकि क्या है, लास्ट ईयर जो 2018 में जो रेटिंग थी वो अभी चेंज हो गई है, और एवरी ईयर पर साल, हर साल एक ICAR एक समिति बनाता है, एक कमेटी बनाता है, और वो समिति हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का एक रेटिंग फिक्स करती है। वो वहाँ जाके वो चेक करके एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, ये सब चेक करता है। अपने आपको मालूम है कि भारत देश में IITs, IIM में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स अपने देश में हैं, बट एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वो कौन सी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और IIM, IIT उनका स्टैंडर्ड भी अभी इंटरनेशनल लेवल का है, तो अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन का लेवल भी और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये हमें लगता है। तो उसके लिए और क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड हमको करना पड़ेगा, वो चीजों का आज जिक्र हम करेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो चलो हम शुरू करते हैं कि कौन से जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे भारत देश में है उसके बारे में। जो दसवां है उसके बारे में पहले जिक्र करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक की ओर बढ़ेंगे। जो दसवां है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ये जो दसवां है। जो नौवां है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ये नवे नंबर पर है। आठवां है गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी लुधियाना, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना में है। सातवां है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। जो छठा है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वो सिक्स्थ पे है। जो पांचवा है वो इंडिया वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, वो ICAR की इंस्टीट्यूट है। चौथा है वो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, वो चार नंबर पे है। जो तीसरा है GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पंतनगर में है, वो तीसरे लेवल पे है। जो दूसरे नंबर पर है वो ICAR की इंस्टीट्यूट है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा न्यू दिल्ली में है, वो सेकेंड लेवल पे है। और जैसे कि आप पहले सब जानते हैं, जो नंबर एक पे है वो लास्ट ईयर भी नंबर एक पे थी, वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जो करनाल में हरियाणा में है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट आज भी एक नंबर उसका बरकरार है। तो ये जो 10 कृषि विश्वविद्यालय थे भारत देश के, उसके बारे में हमने, उसकी जो हायरार्की थी वो कौन से लेवल पे है 1 से 10 लेके, उसकी हमने चर्चा की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, और कृषि के बारे में, कृषि के और इंस्टीट्यूट्स के बारे में, या और कुछ प्रश्नों के बारे में आपको अगर कुछ सवाल हो तो आप इसमें ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कृषि मेरा क्षेत्र है, इसके बारे में मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, और इसके बारे में नॉलेज देना लेना मुझे भी अच्छा लगता है। तो आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे प्रश्न पूछिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। मेरा ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आता है तो, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।